नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्सप्लोरिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल के जरिए देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है अरिफ और उसके सारस के बीच की दोस्ती के ऊपर। कैसी उनकी दोस्ती रही है, कैसा उनका प्यार रहा, किस कारणवश अरिफ अपने सारस से दूर हो गया, सारी चीज़ें आज आपको इस ब्लॉग में पता चलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हम इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को थंबनेल के ज़रिए पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सारस एंड उसके दोस्त अरिफ के ऊपर, जिसके बीच में दोस्ती इतनी गहरी है कि आप लोग को मैं बता नहीं सकता कि यार इस तरह की दोस्ती भी होती होगी। सारस पक्षी और इंसान के बीच में ऐसी गहरी दोस्ती आज तक मैंने ना कभी देखी है और ना ही कभी सुनी थी। बस दोस्तों, यह सारी बातें संभव हो पाई है हमारे भाई अरिफ के कारण, जिन्होंने हाल ही कुछ सालों वर्ष या कुछ जब कभी भी हो उस सारस पक्षी की जान बचाई थी, और तभी से वह सारस पक्षी हमारे अरिफ भाई के साथ साथ रहने लगा, उनके साथ वफादारी दिखाने लगा। और दोस्तों, जाना जाता है कि इंसानों से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जानवर, पशु एंड पक्षियां हमारे वफादार रहते हैं। कई सारे फिल्मों में भी इस तरह के रोल्स प्ले किए गए हैं, जैसे तेरी मेहरबानियों में एक डॉगी का रोल प्ले किया गया है, इंटरटेनमेंट में फिर एक डॉगी का रोल प्ले किया गया है, और यहाँ तक कि हाउसफुल 4 में एक कबूतर का रोल प्ले किया गया है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि पशु हमारे कितने वफादार रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सारस और अरिफ का प्रेम, यानी कि उसकी दोस्ती का प्रेम कितना ज़्यादा गहरा था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अरिफ और सारस अलग कैसे हुए। तो दोस्तों, इन सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो आप लोग को यह बताएगी कि सारस और अरिफ अलग कैसे हुए, किन कारणों से सारस को क्वारंटाइन में रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे निकल के आते हैं, सारी चीज़ों का डिटेल आप लोग को अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।